हिमांशु, ये जरा एक क्वेश्चन आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ। दो इश्यूज हैं, एक इशू सिक्योरिटी लैब्स का है कि सिक्योरिटी कैसे वो स्लिप ऑन किए अंदर और कैसे ले गए, और एक इशू है कि उन्होंने ये क्यों किया, और क्यों किया उसमें सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी जो आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। दोनों इश्यूज अब अपने अपने ढंग से जो जिसको किस तरह से देख रहा है, लेकिन दोनों इश्यूज में कारण भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई दे वर फोर्स टू डू दिस, और मुझे लगता है कि उस इशू पे भी बात होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा हिमांशु जी आपसे एक तो टेक्निकल इश्यूज पे, कि कुछ लोग आप शशि थरूर कर डिजाइनिंग ऑफ द पार्लियामेंट की भी बात कर रहे हैं कि भाई ये तो डिजाइन का भी फॉल्ट है, फलाना भी फॉल्ट है। मैं दोनों चीजों पे, सिक्योरिटी इज अ इशू, वो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर यूएपीए लगाना और ये सब करना, लेकिन लार्जर क्वेश्चन है बेरोजगारी, उस पर आपका टेक क्या है? बेरोजगारी तो है ही है सब जगह पे, और यही मुद्दा है। अगर आप चारों की अगर प्रोफाइल स्टडी करेंगे तो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, इंजीनियर है, टीचिंग का मतलब डिग्री लिया हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की, रिक्शा चलाने लगे, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाए, तो इनकी अगर प्रोफाइल स्टडी करेंगे तो यही बात आ रही। तो बिल्कुल बेरोजगारी तो मुद्दा है, मैटर ऑफ सब जुड़े होने की वजह से हम इसको ओपिनियनेट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीडिया ट्रायल ना लगे, पहली बात। लेकिन वो जो भी फाइंडिंग्स आते हैं कमेटी के या जो भी होता है, इसके बीच अगर मान लीजिए कि विपक्ष ने कुछ चीजें मांगी है, कहा है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो जो हमारे आगे जो स्पीकर बोल रहे थे साहू साहब, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस के साथ काम कर चुके हैं भारत के, उन्होंने जो कहा वो बात एकदम सही है कि अकाउंटेबिलिटी, आप क्यों इससे भाग रहे, आपके ही पक्ष के मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष के विधायक, उसके जो एमपी है सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पास इश्यू करवाया था, तो क्या आपने बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया था, ऐसे ही पास इश्यू कर दिया था इन लोगों का? क्या आपको पता नहीं था कि ये बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है? तो क्या अब ये समय आ गया है कि पढ़े लिखे बेरोजगार अब पार्लियामेंट में जाके ये सब देखना चाहेंगे? आपने मतलब एक बेसिक क्वेश्चनिंग नहीं की कि आपको पार्लियामेंट में क्यों आना है? हम एज अ पत्रकार जब भी जाते हैं, हम अपना प्रेस कार्ड भी जब दिखाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पे स्टेट असेंबली में, तो पूछा जाता है हमको कि आप किस काम से जाना चाहते हैं, तो हम बताते हैं कि यहाँ पे इनवाइट आया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से या किसी सेक्रेटरी से, या उनका जो प्रेस ब्रीफिंग है या उनसे मिलना है, या ये कुछ एमओयू साइन हो रहा है तो उसका जो हमको रिपोर्टिंग करना है उसके लिए जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता, हमको भी मतलब एक स्कैनिंग के जरिए जाना पड़ता है। तो इसमें जब आपने पास इश्यू किया तो इसका आपने कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। इसकी जो लड़की जो नारेबाजी कर रही थी उसकी बैकग्राउंड की अब बात आती है कि वो कांग्रेस की सभाएं कर रही थी, ये कर, तो पास इश्यू होने से पहले आपने ये सब क्यों नहीं, वो लोग उस परिसर तक पहुंचे कैसे? तो कहीं ना कहीं खैर ये सब मुद्दे जुडिशरी के है, वो उसके ऊपर काम करेंगे कैसे होगा क्या होगा। बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा है, और ये सस्पेंशन जो है ना ये कोई नई बात नहीं है, गुजरात में ये बहुत बार हुआ है। परेश दानाणी करके अमरेली के विधायक थे जो कि विरोध पक्ष के भी नेता हुआ करते थे, कुछ चीजें होती थी तो स्लोगन इंजीनियरिंग होती थी, सब होता था, और बाद में सभी को सस्पेंड करके। बात यह है कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ ऐसे मतलब प्रपोजल्स तो पास नहीं होने वाले जिसमें आपको विरोध पक्ष चाहिए ही नहीं, आपकी मेजोरिटी, और आप उस मेजोरिटी से पास करके फिर बोलेंगे कि हमने ये कर दिया। तो अगर ये स्मोक स्क्रीन है, मान लीजिए ये सस्पेंशन ऑफ MPs, तो उसके पीछे का मकसद क्या है? क्या दूसरे ऐसे कुछ बिल्स पास होने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आने वाली है जो पास हो जाएगी और बाद में आपको पता चलेगा कि वो, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है डिजिटल करेंसी को ले, तो क्या इन मुद्दों के ऊपर भी मतलब सरकार कुछ सोच रही है, कुछ बातें हो रही है, और हमको लगता है कि इसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब पूरा का पूरा आप विपक्ष ही सस्पेंड कर दो। देखिए बहुत क्लियर चीज है, ये एक अलार्मिंग अलर्टिंग इंडिकेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपने विपक्ष तो खत्म कर ही दिया है, विपक्ष है ही नहीं ऐसा मैं मान के चलता हूं। वॉइस ऑफ डिसेंट जो आते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास से, वो भी आपने खत्म कर दिए, जुडिशरी से हो या मीडिया से हो या ब्यूरोक्रेसी से हो या एग्जीक्यूटिव से हो या पार्लियामेंट से हो, कहीं से भी। तो अब जो आप करना चाहते वो शायद ये है कि आपको सिविल सोसाइटी को साइलेंस करना है, आपको सिविल सोसाइटी को मतलब एक आज्ञाकारी समाज बनाना है, तो क्या ये सब उस दिशा में जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा। और ये ऐसा हो गया है, आप बोलेंगे कि चलिए
जैसे साहू साहब ने कहा कि कुछ मुद्दे आएंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी तो आप बोलेंगे ये तो विदेशी संस्था ने किया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो भारत में आज ऐसी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर कौन सकता है, ये मुझे आप बताइए। जिस तरीके से समाचार पिछले दिनों में सामने आए, जो बीबीसी ने अपना पूरा रिस्ट्रक्चर किया, हालांकि बीबीसी की मैं साइड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे अजीब बात यह है कि इतना बड़ा विश्व का समाचार करने वाला विश्वसनीय इतनी वैश्विक बड़ी ब्रांड, इसने इंडिया में अपना जो भी एक्टिविटीज करना है उसके बारे में लॉस क्यों स्टडी नहीं किए, और लॉ स्टडी करके करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, तो ये क्या समाचार करेंगे, ये भी एक पहला सवाल है कि जहां पे आप इंडिया के हेड वगैरह जो भी है, इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्यों बात नहीं की कि यू हैव टू बी लॉ कंप्लायंट टू द कंट्री वेर एवर यू ऑपरेट। तो आप मैं हिमांशु जी का शायद भारत के किसी मीडिया संस्थान से जी। या भारत में काम कर रही कोई संस्था हो, भले वो विदेशी संस्था हो, उससे आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये आपने मतलब एक खारिज कर दिया, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि आप हमसे सवाल मत कीजिए, हम चाहेंगे वो सवाल करेंगे, हम चाहेंगे तब संसद के फ्लोर से बोल देंगे कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, हालांकि सरदार पटेल जी की मृत्यु प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले 1952 के जो इलेक्शन हुए उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्या हो गया है, इनको आता है ऑप्टिक्स बिल्टअप करना, इनको आता है इनकी पास एक पूरी सेना है, एक फौज है जो ये ऐसी चीजें वायरल कर देते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स, उसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है फैक्ट चेक होता नहीं। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई है, और सस्पेंशन की प्रैक्टिस जो है इसको मुझे मैं बिल्कुल उसको मतलब ये नए तरीके से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बहुत बार हमने ये चीज गुजरात में देखी, कोई PIL लगी है हाई कोर्ट में, लगता है कि सवाल आएंगे तो सस्पेंड हो जाता था पूरा का पूरा विपक्ष। तो मुझे इसमें कोई अचरज नहीं है कि सस्पेंड, कल जब ये सब हो रहा था तो मुझे लगा था इनको सस्पेंड कर ही देंगे और ये हुआ। और जैसे साहू साहब ने एक और बात कही कि जिनका नाम नहीं था, जो हाजिर नहीं थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है क्लियरली कि एक आज्ञाकारी समाज हमको बनाना है और इसी दिशा में आपको जाना है। और 2024 जैसे CKLP सिंह साहब ने सही बात कही कि 2024 में क्या होगा ये उसका आगाज है, एंड साथ साथ जो भी हुआ है, जो बेरोजगार युवाओं ने जो किया है उसको हम जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि एक सबजुड़ा इस मैटर है फिलहाल, लेकिन ये अलर्टिंग अलार्मिंग सिचुएशन है, आप समझने की कोशिश की है। उसी भाषा में मैं कहूंगा जिस भाषा में आज की नेतागिरी बात करती है कि जब लोग बोलते हैं कि आधा गिलास खाली है तो मैं बोलता हूं आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास हवा से भरा हुआ है, तो ये आधा गिलास हवा से भी अभी नहीं भरा हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसमें एक तरीके के रिपरकशंस आने शुरू हो गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ मुझे लगता है एक सोल्यूशन आएगा। बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल है सबसे बड़ा, देखिए बेरोजगारी भारत में कोई नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा था, लेकिन बेरोजगारी के साथ महंगाई और करप्शन, और वहां पे मतलब ऐसा कि मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, आज जो पैसा जिस तरीके से आ रहा है लोगों के पास वो जमीन के पैसे हैं, जमीन में जो इन्वेस्ट किया था एक जमाने में किसी ने, या ब्लूप्रिंट्स किसी के पास आ जाती है और वो इन्वेस्ट कर देता है सस्ते दाम में और वहां से वो कमा रहे हैं, तो ये कोई मेहनत से नहीं हो रहा है, इसमें मेरिट, स्कूल ऑफ मेरिट पूरी खत्म हो रही है और सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था भारत में, अगर बंदा एक लेवल तक बेरोजगार है तो वो कुछ ना कुछ कर लेता था, लेकिन बेरोजगारी के साथ महंगाई और उसमें एक सिलेक्टेड क्लास, क्रूनी कैपिटलिज्म के अलावा भी एक सिलेक्टेड क्लास, आपके जो कार्यकर्ता है, जो आज से 5-10 साल पहले जिनके पास चलाने के लिए साइकिल नहीं थी, आज वो मतलब ईवी और क्या क्या नई नई गाड़ियां और SUVs लेके घूम रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये इनइक्वालिटी आप अगर लेके आएंगे तो ये अलार्मिंग और अलर्टिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है इसके ऊपर सही तरीके से अगर सरकार एक्शन ले तो सही बात है, लेकिन ये अलार्मिंग और अलर्टिंग सिचुएशन बिल्कुल है। हिमांशु जी एक चीज जरा बता दीजिए, क्योंकि आपके पास गुजरात का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक नैरेटिव और बिल्डअप करने की कल कोशिश की गई। सुकंता मजुमदार है बीजेपी के वेस्ट बंगाल के मतलब अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पुरानी कोई क्लिप निकाली और वो जो झा जी जो उसमें एक झा लड़का है वो बंगाल में रहता है, वो तापस राय के साथ जो बंगाल के MLA साहब हैं TMC के, किसी दुर्गा पूजा में 2020 में था, उस फोटो को लगाया और वो अमित मालवीय और लग गए उसके पीछे कितने के ये वो झा और ये TMC ने, और
ये लोग प्रदीप सिन्हा पे जिसने पास इशू किया उस पर बिल्कुल साइलेंट हो गए। राजनाथ सिंह आके पार्लियामेंट में सबको ज्ञान देने लगे कि पास इशू करते समय क्या क्या करना चाहिए। अरे भाई पहले तुम जिसने किया उसके ऊपर भी तो कुछ बोलो, कुछ कार्रवाई करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह का गलत गलत एक नैरेटिव बनाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये तो होता रहेगा और साथ में जो सस्पेंशन सब किया ही जा रहा है, आखिर लोग कह ही रहे हैं ना कि थोड़ा रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए था, ऐसी भाषा नहीं यूज करनी चाहिए थी। अरे भाई विपक्ष ऐसी भाषा नहीं यूज करेगा तो कैसी करेगा। मैं थोड़ा इस पे भी पूछ लूं कि ये तापस राय के साथ उस झा जी की फोटो, ये कौन सा काम है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे भी बहुत ख्याल नहीं है क्या है किस तरीके से, लेकिन क्लियरली जो मुद्दा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है एज अ जर्नलिस्ट, जब मैं गांधीनगर जाता हूँ आज की तारीख में भी, तो मुझसे पूछा जाता है, मेरे पूरे क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं, मेरा आइडेंटिटी पास देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। अगर कोई इन्वाइट है वैलिड इंफॉर्मेशन या गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो ही एंट्री मिलती है, वैसे ही एंट्री सीधी नहीं मिल जाती है आपको। तो इसमें इनका बैकग्राउंड चेक किए बिना इन लोगों को एंट्री कैसे दे दी? आपको पता नहीं था कि ये लोग बेरोजगार है, इनमें इस तरीके से मतलब बाद में सब कुछ वायरल। और जहां तक ये सब बातें है ना कि वो कर रहे हैं या ये भाषण दिया जा रहा है कि ऐसा कीजिए, ऐसा सतर्कता बरतिए या जो भी है, आप वो बिहेवियर तो देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ, वो जो विजुअल्स आए हैं, क्या आपको लगता है प्रजा के प्रतिनिधि मतलब सहिष्णु नहीं रहे हैं? जिस तरीके से उस बंदे को मारा, मैं वो भी जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं कि वो सही था गलत था, लेकिन जो विजुअल सामने आए, क्या वो अंदर का उनका आक्रोश था कि उनको वहां पे प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना है या काम करना है वो नहीं कर पा रहे, और ये गुस्सा उन्होंने इसके ऊपर निकाल दिया ये जो बंदा हाथ में आया? या क्या पार्लियामेंट अब ऐसे लोगों से भरने वाली है कि वहां पे ऐसे ही लोग आएंगे कि बॉस हमारे इलाके में अगर आप आओगे तो हम आपको मार डालेंगे, आप विरोध भी नहीं कर सकते, आप सवाल भी नहीं कर सकते? देखिए ये परकोलेट हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पे किसी ऑफिस बेरर से या किसी से भी बात कर ले तो वो बात नहीं करते, वो जवाब नहीं देते, ये परकोलेट हो चुका है। मतलब एक डिसोबीडियंस इन द सिविल सोसाइटी विद इन द पार्टी विच इज रूलिंग, बेसिकली जो रूलिंग पार्टी में एक तरीके का ऐसा है कि अगर कोई सवाल करे तो उस सवाल को आप मतलब जवाब मत दीजिए। ये यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं आज की तारीख में ऐसी होती है। अभी आप देखिए आदिवासी बेल्ट में जिस तरीके से वो चैतर वसावा जो आपके MLA उसको उसके ऊपर जो हो रहा है, क्योंकि उसको भाजपा में ले जाने की बात है, सब बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कमल लोटस का मतलब ऑपरेशन लोटस का पार्ट है, उसकी वाइफ के सामने केसेस हुए। अब ये अगेन ये सब जुड़ा इस मैटर, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे सही है गलत है, लेकिन ये हो रहा है। और जो शीतल पी सिंह साहब ने जो बात कही, जो अजय शुक्ला जी ने जो बात कही कि लड़ते कुछ चंद लोग ही है, अब हमारा काम तो क्या है, हम तो बात कर रहे हैं, हम प्रजा को मतलब प्रजा जागरूक कितनी हो पाएगी? और कहीं ना कहीं मुझे शुक्ला जी ये भी लग रहा है कि प्रजा के पास वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए समय नहीं रहा है, क्योंकि आज आप सब चीजों के दाम देख लीजिए, इतनी महंगाई है कि वो रोज का अपना रोजगारी और अपना खाने पीने का जुगाड़ करेगा, जिंदगी बसर गुजर बसर करने का जुगाड़ करेगा या ये सब करेगा, और उसके ऊपर अचानक ये हार्ट फेल से डेथ, ये सब, तो इन सब मामलों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें वो हो रही है। तो इसके चलते कैसे होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है।